हबीब ने टोनी फर्गसन को रिक्वेस्ट किया है कि यार टोनी रिटायर हो जाओ और ये जो लाइटवेट डिवीजन है उसमें नए बच्चों को आने का मौका दो यार, क्यों तुम एक जगह को घेरे बैठे हुए हो यूएफसी में। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से कि हबीब को ये चिंता है कि टोनी फर्गसन अभी क्यों फाइट कर रहे हैं और वो उन्हें सजेशन दे रहे हैं कि अभी आप और कोई काम कर लीजिए, आप कोचिंग कर लीजिए या और कोई नया बिजनेस कर लीजिए, लेकिन लाइटवेट डिवीजन में इस उम्र में लड़ना आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पर मैं हबीब से इस बात को लेकर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है कि टोनी फर्गसन को अब जिस तरीके से 8 बार लगातार फाइट वो हार चुके हैं, अपने ग्लव्स को हैंग कर देना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और खासकर लाइटवेट डिवीजन में किसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए ये सबका अलग अलग होता है और ये हमें कम्प्लीटली फाइटर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कब वो रिटायर होना चाहता है कब वो रिटायर नहीं होना चाहता। क्योंकि जब भी कोई फाइटर शुरू करता है इस करियर को तो वो हमसे पूछ के शुरू नहीं करता, तो जब वो रिटायरमेंट भी लेगा तो हमसे पूछ के नहीं लेगा। कि हबीब टोनी फर्गसन को तो ये मशवरा दे रहे हैं कि कब उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए, कौन सा परफेक्ट टाइम है, लेकिन जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तब उन्होंने अपने पर्सनल रीजन देखे थे या नहीं देखे थे? उन्होंने देखे थे ना अपने पर्सनल रीजन, और उनके पर्सनल रीजंस की वजह से जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो दूसरे लोगों ने भी भाई उनको सपोर्ट किया, उनके इस फैसले को रिस्पेक्ट किया, इज्जत दी। लेकिन अब किसी दूसरे को ये बोलना कि भाई आप रिटायरमेंट ले लो आपकी वजह से ये डिवीजन रुका हुआ है, आप मुझे बताओ क्या टोनी फर्गसन की वजह से ये डिवीजन रुका हुआ है? जब तक यूएफसी को लगेगा कि टोनी फर्गसन को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, मनी उनसे निकाल सकते हैं, उनके नाम पर टिकटें बेच सकते हैं, तब तक यूएफसी के अंदर वो फाइट करेंगे। मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो भी हबीब के जैसी ही है कि उन्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके ऊपर ये इतना प्रेशर डालना नहीं चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए या किसी दूसरे को बोलना नहीं चाहिए कि तुम रिटायर हो जाओ।